नाम रविंदर कुमार है और मैं रोडवेज कर्मचारी संघ परिषद का बरेली क्षेत्र का क्षेत्रीय जी देखिए सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को दिसंबर 19 से लेकर के एक मांग पत्र दिया गया था जिसमें अधिकांश समस्याएं चालकों परिचालकों के उत्पीड़न से संबंधित है। इनकी गलत तरीके से रिकवरी की जाती है, इनको परेशान किया जाता, इनका वेतन भत्ता वर्तमान में नहीं मिल पा रहा पूरा, और ये हालात बने हुए हैं प्रबंधन द्वारा कि पद के अनुरूप काम ना लेकर के ये तमाम लोगों को भ्रष्टाचार मचाते हुए ऑफिस में काम ले रहे हैं और संचालन व्यवस्था पे कम जोर दे रहे हैं कोविड-19 बीमारी के अंतर्गत, क्योंकि यात्री कम चल रहे हैं। ऐसे में तमाम बसें सरेंडर की गई हैं, उसके उपरांत भी वर्कशॉप में बिल्कुल काम नहीं होता। प्रतिदिन 20 से 25 बसें खड़ी रहती हैं और जिसकी वजह से 8 से 10 हज़ार किलोमीटर प्रतिदिन बसें कम चल रही हैं। और जो रुहेलखंड डिपो के ARM के विरुद्ध ये धरना कार्यक्रम चल रहा, एक समानांतर डिपो बरेली डिपो है, बरेली डिपो और रुहेलखंड में लगभग बराबर बसें हैं, उसके उपरांत बरेली डिपो की अपेक्षा रुहेलखंड में लगभग 2 लाख से 4 लाख रुपए प्रतिदिन, यानी कि एक माह में करोड़ों रुपए का नुकसान सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रुहेलखंड के कारण पहुँच रहा है डिपोज को। तो इस पर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई अमल में नहीं जा रही उच्च प्रबंधन द्वारा, जबकि ड्राइवर कंडक्टर का अगर 5 लीटर का भी अगर एवरेज कहीं ख़राब होता है तो कम एवरेज के नाम पर उनकी कटौती कर ली जाती है, और अगर कहीं हमारे परिचालक भाई की आय कहीं प्रभावित होती है जबकि कोविड-19 में बीमारी में जो है यात्री नहीं मिल पा रहे तो उन पर ये दबाव बनाया जाता है कि आपकी आय कम क्यों आ रही है जबकि यात्री कम निकल रहे हैं, जहाँ की ARM के समानांतर आय 4 लाख रुपए प्रतिदिन कमा रही है, यानी कि करोड़ों रुपए का मंथली नुकसान पहुँचा रहा, उस ARM के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसकी बसें पेंडिंग हो रही है, बसों में कोई कार्य मेंटेनेंस वर्कशॉप में नहीं हो रहा है, सामान का पूरी तरह से अभाव है। ये हालात बना दिए इन्होंने कि रोडवेज परिषद के नेतृत्व को और कर्मचारियों को मजबूर कर दिया इस हालात में भी कि कोविड-19 के रहते जो हम एक धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे लेकिन प्रबंधन ने मजबूर किया, इसके कारण ये धरना प्रदर्शन आज किया जा रहा। हमने अभी ARM महोदय को बताया कि हमारी कोई मांग अगर नाजायज है तो बताइए आप, लेकिन उनकी जो हठधर्मिता है ARM रोलखंड की, अगर उन्होंने सकारात्मक अगर उन्होंने अगर इसका निस्तारण नहीं किया तो ये धरना प्रदर्शन किसी और रूप में भी जा सकता है, यहाँ तक कि हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। मैं अफसार अहमद हूँ और हम लोगों को रोडवेज में टाइम से ड्यूटी नहीं मिलती है और रास्ते में हमारी गाड़ी महीने में कम से कम 3-3 बार खड़ी हो जाती है, जिस कारण हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, रास्ते में कहाँ जाएँ, हमारे पास विभाग का कैश होता है, अब कैश को रखाएँ या फिर बैटरी को रखाएँ या फिर गाड़ी को रखाएँ, 1 महीने में मेरी गाड़ी 3 बार ख़राब हो गई रास्ते में, BT नंबर की गाड़ी है 0906, गाड़ी में अक्सर कोई ना कोई इंजन में कमी आ जाती है, इंजन प्रॉब्लम हो जाती है, 3 बार गाड़ी खड़ी हो चुकी है गाज़ियाबाद में मिलक में, बहुत समस्याएँ हैं गाड़ियों में। ये लापरवाही तो जो मैकेनिक हैं रोडवेज में वर्कशॉप में उनकी लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है, ये फोरमैन की जिम्मेदारी होती है, पूरी फोरमैन की जिम्मेदारी होती है, गाड़ियों में काम नहीं हो रहा है बिल्कुल, हमारे ड्राइवर और परिचालक सब परेशान रहते हैं। फ़ायदा ये है सर, निगम की गाड़ियाँ चल ही नहीं पा रही हैं फोरमैन के वजह से, जो है ज़्यादातर गाड़ी डिपो में खड़ी रहती हैं, टाइम से निकलती नहीं है, कंडक्टर ड्राइवर दिन भर यहाँ बैठा रहता है, शाम को गाड़ी निकलती, इनकम नहीं आती है। इसके अतिरिक्त ARM साहब हमारे जो हैं वो अनगिनत ड्राइवर कंडक्टरों को जो है ऑफिस वर्क का काम दे रहे हैं जिन्हें गाड़ी चलानी चाहिए। हमारी मुकमान ये है कि वर्कशॉप में काम नहीं हो रहा है, गाड़ियों का संचालन नहीं हो पा रहा, जिससे हमारे और बरेली डिपो में कम से कम 10,000 किलोमीटर पर डे का अंतर आ रहा है, 2 से 4 लाख इनकम रोज़ डाउन होती है। मेरा नाम नरेश कुमार शर्मा है, मैं चालक हूँ रुहेलखंड डिपो में। समस्या ये है, हमें इसलिए धरना करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि रुहेलखंड डिपो के जो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जी हैं वो भ्रष्टाचार बिल्कुल खूब तानाशाही के साथ कर रहे हैं, और जिन चालकों से बसें चलवानी चाहिए रोड पे, परिचालकों को रोड पे भेजना चाहिए, पैसा आना चाहिए, वो उन्हें ठाली बैठा कर तनख्वाह दे रहे हैं और खूब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसीलिए हमें मजबूर होकर कर्मचारी का शोषण हो रहा है, कटौती हो रही हैं, बाकी जो हरामखोर हैं उनका कुछ नहीं हो रहा, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका ही हमारे सहायक क्षेत्र प्रबंधक महोदय जी बहुत ही ज़्यादा शोषण कर रहे हैं, इसीलिए मजबूर होकर हमें यह धरना प्रदर्शन करना पड़ा, यदि ज़रूरत पड़ी तो चक्का जाम भी कर सकते हैं।